हेलो फ्रेंड्स, आप हमें लाइव देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम अपनी मिनी पोर्टेबल वॉशिंग मशीन का डेमो देंगे। फ्रेंड्स, इसको आपने ऐसे ऑपरेट करना है, तो बाल्टी में चिपकाना, इसको लगाना थोड़ा बहुत ट्रिकी है क्योंकि बहुत ही मुश्किल से हमने लगाया है। बार बार ये पानी से बाहर निकल जाती थी। और चलिए फ्रेंड्स, अब आपको हम डेमो देते हैं। अगर ऑफ करके हम फिर से लगा कर देखते हैं, शायद लग जाए। तो इसको ऐसे चिपकाना होता है, तो अभी बाहर की तरफ है। अब देखते हैं, आपको डेमो देते हैं। तो ये पूरी तरह से पानी के अंदर डिप होना चाहिए। ये देखिए, अब ये पानी में डिप नहीं है। तो फिर से हम कोशिश करेंगे। तो अच्छी तरह से जो है आपको चिपकाना है। तो ये आपको एक चीज़ लेनी होगी, और वो है आपकी जो कार में यूज़ होती है डबल टेप, उससे आपको चिपकाना है। तो मुश्किल से हमने चिपकाया था, फिर हम ऑफ कर देते हैं इसको। या तो पानी हम थोड़ा और डालना पड़ेगा, जिससे ये पानी में पूरी तरह से डिप हो जाए। ये थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, ये पूरा पानी में डिप हो जाए तभी ये आपके कपड़ों को धो पाएगी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो मिनट। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके टेक्निकल डिटेल की बात करें तो 30 मिनट में ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। 15 मिनट में ये अपनी डायरेक्शन इधर से उधर करती रहती। और दूसरी बात जो है फ्रेंड्स, इसको पानी में रखना या बाल्टी के साइड में लगाना एक प्रकार की ट्रिक है। इसके लिए आपको एक बहुत ही पावरफुल टेप चाहिए, जिससे ये पानी में चिपकी रहे। और जब आपको जरूरत नहीं है तो आप वो टेप हटा सके, या आप एक ऐसी स्पेशल बाल्टी ही बना सकते हैं जिसमें वो चिपका रहे घर में। तो ये हमारी भर गया है, देखिए। आप देखते हैं, शायद पानी हमारा थोड़ा सा बाहर आएगा क्योंकि बिल्कुल एज तक पहुंच गया है पानी। तो कोशिश करते हैं, और आपने इसको डीसी करंट से लाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ टेक्निकली दिक्कत आ रही है, और आपने देखा होगा कि हमारा पानी जो है ये आ गया, फिर से ये वैसे ही हो गया। जस्ट आपको इसको अंदर डिप करना, ये थोड़ी बहुत हमें लग रहा है मुसीबत हो रही है कि ये चिपक नहीं रहा सही ढंग से। और हमारे साथ कभी कोई है नहीं, ये इसके साथ इशू आ रहा है। हमें साथ सही ढंग से चिपकाना है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन हमने चलते चलते भी पानी में हाथ डाला है, तो ये वाटर प्रूफ भी है। तो ये देखिए, पानी धीरे धीरे गंदा होता जा रहा है। तो 15 से 20 मिनट आपके लगेंगे 1 kg कपड़ों धोने में, बस इसको साफ चिपका दें प्रॉपरली। ये चीज़ जरूर होनी चाहिए। और पानी को पूरी तरह से भरी हुई बाल्टी में टिप में ना लगाएं, नहीं तो पानी आपका बाहर निकलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था लबाव। तो इसको हम बंद कर देते हैं। आप इसको किसी प्रकार के पावर बैंक से चलाएं, जिससे आपको कोई करंट ना लगे। तो डीसी पावर से चलता है, बहुत ही पावरफुल मशीन है। और इसने जो है, अगर आपको ये हम कपड़े दिखाएं, ठीक ठाक ही है। अभी हमने ना कोई वॉशिंग पाउडर डाला है, ना कुछ डाला है। तो एक यूनिक कंसेप्ट है, बस दिक्कत जो है आप ये देखिए, ये हमारी शायद ये उतर गई, तभी ये हमारा, अगर आप वो देख रहे हैं। तो ये चिपकाने की एक ट्रिक आनी चाहिए, तो वो चीज़ें आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे बाजार में, जो फेविक्विक होते हैं, बहुत ही मजबूत। नहीं तो एक और मशीन है, पोर्टेबल वॉशिंग मशीन, जो कि पूरी तरह से बकेट में डलती है। इसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, इसको अपने बाल्टी में डिप करना होता है, इसको भी फिट करना होता है। बट इसमें जो है, इसको लगाना छोटे वाली को ज़्यादा आसान है। इसको किनारे पर लगाना होता है। तो हमने आधा घंटा इसको चलाया है, बहुत ही परफेक्टली चली है। जस्ट एक बार थोड़ी बहुत बीच में रुकी थी, उसका हमें कारण नहीं पता, बट अभी तक ये परफेक्टली चल रही है। तो हमें कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बस ये एक प्रकार से चिपक जाए साथ आपकी बाल्टी से। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, कोई डाउट हुआ आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और आप चाहो तो आप हमारी पुरानी वीडियो में जो है इस प्रोडक्ट का भी डेमो देख सकते हैं। तो ये आपको 2200 रुपये के आसपास पड़ेगी, 2000 से लेकर 2500 के बीच आपको बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे।